दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? मैं आपका अपना श्रवण। आज हम लोग प्रतापगढ़ से सीकर की ओर जा रहे हैं और ये लाइव हम लोग कर रहे हैं। अभी रास्ते में हम लोग बैठे हैं, गाड़ी में हैं, चित्तौड़ के आसपास है। लो आज कुछ बातें आपसे करनी है। लो भगवान जी मोबाइल पकड़े। आज एक बहुत ही बड़ी खुशी मन में है, उसके बाद टेक्नो की बात भी करेंगे, उसके बाद रिपीटर के बैच की बात भी करेंगे, कुछ बातें मोटिवेशन की भी करेंगे। आज मैं प्रतापगढ़ से वापस सीकर जा रहा हूं, तो शायद वो एक गुरुजी जो फीलिंग लेके गए थे राष्ट्रपति भवन से, याद हो सभी को, तो जब हमारे राम साहब राष्ट्रपति थे तो उनके प्राइमरी स्कूल के शिक्षक जो उनके गांव से दूर वहां केरल से आए थे और हमारे राष्ट्रपति महोदय उनके शिष्य से मिलके जब वापस अपने घर जा रहे होंगे तो शायद उनको ऐसी खुशी हो रहेगी जो खुशी मुझे भी हो रही है। मैं भी प्रतापगढ़ से आ रहा हूँ। प्रतापगढ़ मेरा बहुत ही प्रिय स्टूडेंट, मेरा लाडला बेटा अमित जी, वहाँ अमित ही कहूंगा, माफी चाहता हूँ मैं, अमित वहाँ SP के पद पे हैं और रात को उनके पास पहुंचे, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं, तो ड्यूटी बने में शिक्षक के नाते की मिलना भी हो जाए, उनका सम्मान भी हो जाए। तो वापस जब मैं इस रस्ते में आ रहा हूँ तो आज लगता है कि वास्तव में शिक्षक से बड़ा कुछ नहीं है, टीचर से बड़ा कोई नहीं। आज ये बात यूं एक अजीब सी खुशी होती है ना, वो मैं मेरे दिल में सजो के आज मैं वापस सीकर जा रहा हूँ। और मैं ये जो खुशी जो है, ये एनर्जी जो है ना, ये मुझे CNC के लिए और काम करने प्रेरित करेगी। और कई बार जो बच्चे गार्जियन पूछते हैं कि बोस 28 साल से थकती क्यों नहीं, तो शायद ये ऐसे कुछ पल, ऐसी कुछ घटनाएं मेरे साथ जिंदगी में हर कुछ दिनों बाद पॉजिटिव होती रहती है कि मैं थकता नहीं हूँ। और प्रतापगढ़ में, राजस्थान प्रतापगढ़ में जहाँ आप SP के पद पे हैं, वहाँ माँ सीता का एक मंदिर है, सीता सेंचुरी के नाम पे, वहाँ एक सेंचुरी है, पूरा जंगल है, वहाँ भी हम लोग जाके आए। वहाँ की कुछ बातें बताता हूँ आपको मैं। वहाँ एक बरगद का पेड़ है, 12 बीघा के अंदर है वो, जहाँ लव कुश का बचपन बीता, लव कुश जहाँ खेले, फिर वाल्मीकि जी का जो आश्रम वहीं था जहाँ माँ सीता 14 साल वनवास के बाद जब वापस जंगल गए उसके बाद माँ सीता का मंदिर है, एक कुंड है जहाँ माँ सीता लास्ट में जिससे कुंड में समाहित हुई, जिसे भगवान राम सरयू नदियों में समाहित हुए और माँ सीता यहाँ प्रतापगढ़ के इस जंगल में कुंड में समाहित हुए। वहाँ बाकायदा पहाड़ को साफ लगता है कि पहाड़ के दो टुकड़े हुए हैं, धरती से फटती है, वैसे पहाड़ से फटा हुआ है। खैर मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे सब पे विश्वास है। हो सकता है लाइव सुनने देखने वाले मेरी बात पे विश्वास नहीं करें, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा विचार है, तो रखना चाहूंगा, मेरी आस्था है अपनी। तो निश्चित रूप से मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहां जब मैं मेरे ऐसे स्टूडेंट के साथ जो वहां के SP हैं उनके साथ, उनकी व्यवस्थाओं के साथ जब वहां गया, तो मुझे यूं सही बताऊं तो मैं जमीन से 2 फीट ऊपर था। खुशी होती थी शिक्षक व पिता को खुशी होती, उस खुशी के साथ मैं वहां चला, तो मुझे ना थकान आई ना कुछ और आया। दोस्तों मैं इस लाइव को जो भी देख रहे हैं, जो टीचर्स देख रहे हैं, या जब भी इन फ्यूचर के भी उसके बाद के भी देख रहे हो, टीचर इस लाइव को देख रहे हैं और विशेष रूप से कोचिंग इंडस्ट्री के टीचर्स लाइव को देख रहे हैं, तो उनसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि टीचिंग 2 प्रकार से की जा सकती है, एक केवल सैलरी के लिए, एक पेड सेलिब्रेंट बन के और एक गुरु बन के। आप निश्चित रूप से हमें हमारा परिवार पालन करना है, हमारे परिवार का पालन करना है, हमें उस धन भी चाहिए, लेकिन केवल धन के लिए, केवल अपन पैसों के लिए टीचिंग कर रहे हैं हमारा कोई मतलब नहीं है, बच्चों से स्टूडेंट से कोई लगाव नहीं है। तो शायद दोस्तों इतना पैसा तो जितना टीचिंग में कमा रहे हो, 8-9 घंटे आपको खड़े रह के पढ़ाना पड़ता है घोड़े की तरह, और एक सब्जेक्ट का ज्ञान भी होता है, 9 घंटे बोलना होता है, और पर्सनल कोई लाइफ नहीं है, छुट्टियां मिलती नहीं है ना, परिवार में कोई भी सुविधा को तो बहुत कम छुट्टी मिलती है, तो ये पैसा हम और भी कमा सकते हैं, लेकिन हम शिक्षक हैं, हम टीचर हैं। आज मैं इस लाइव के माध्यम से जो CNC में पढ़े हुए स्टूडेंट इस कोचिंग इंडस्ट्री में टीचिंग कर रहे हैं, या कभी जो CNC के साथी रहे हैं और आज किसी भी कारण CNC में नहीं होंगे, यदि अन्य किसी कोचिंग में टीचिंग कर रहे हैं, तो उनको एक बात कहना चाहूंगा, आप जहां भी किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं और उस कोचिंग आप क्या किसी गरीब बच्चे की फीस का सेव करवा सकते हैं? क्या आप वहाँ अपने गांव के 2 जरूरतमंद बच्चों को पढ़ा सकते हैं? क्या आप ऐसे
दो गांव के बच्चे लाके वहां के डायरेक्टर को कह सकते हैं कि साहब ये दो बच्चे मेरे गांव के हैं और उनको फ्री पढ़ाना, आप अपने तनखा में से पैसे कटवा के नहीं क्या फ्री पढ़वा सकते हो? तो शायद आपको भी सर ऐसा तो नहीं होता है, हमारे खुद के बच्चों के लिए कुछ तो हमारे स्टूडेंट और खुद मेरे पुराने साथी तो ऐसी संस्थाओं में काम कर रहे हैं जहां उनको अपने खुद के बच्चे पढ़ाने के लिए भी कोचिंग में पूरी फीस देनी हो रही है। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सीएलसी के साथ वापस जुड़ना चाहिए, सीएलसी के साथ जुड़ना चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स को कभी सीएलसी ने पढ़ाया और वह आज टीचिंग में है, या ऐसे टीचर्स जो सीएलसी के माध्यम से तैयार हुए अन्य इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन सभी से एक अपील करना चाहता हूं कि सीएलसी एक अलग मिशन पे काम शुरू किया इस सेशन में। ऐसे हमारे पुराने सभी साथी जो है, जिसमें कुछ साथी हमारे साथ अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका एक भाव था, फीलिंग थी कि बोस एक दिन आपको लाइव आके इसको अपील करना चाहिए। बहुत लोग परेशान है बाहर, वो कहते हैं यार बोस के साथ थे तो बहुत अच्छा था, और अब थोड़ा सा ठीक है कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, तनख्वाह मिल जाती है, क्या तनख्वाह तो यहाँ जो मिल रही है वो हमारी हमारी सीएलसी हमारे घर में मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ किसी भी बच्चे को फाइनेंशियली कोई सहयोग नहीं कर सकते। सीएलसी जैसा हम कहता थे उससे दिलुत्र मिलने की, साहिल से मिलिए, उनकी ओमजिस्त मिलिए, तो भी वहां पे बात नहीं डालता था। एक शिक्षक बंधु से कहना चाहूंगा इस सेशन में आप जहां भी पढ़ा रहे हैं अपना सेशन कंप्लीट करें, सेशन पूरा करने के बाद आपको लगे कि जो सैलरी आपको अन्य संस्था मिल रही है तो आपकी सीएलसी भी दे रही है, उसके बाद सीएलसी का पैसा आपको लगता है कि ज्यादा बरकत करता है, वहां एक पारिवारिक एटमोस्फियर है, वहां आप दो पांच सात बच्चों को आर्थिक रूप से सहयोग करके पढ़वा भी सकते हो, तो निश्चित रूप से आप लोगों को अपने घर वापसी का एक अभियान जो हमने छेड़ा सीएलसी के साथ, उसमें वापस आपको सीएलसी आके जुड़ना चाहिए। ये बात हमारे शिक्षक बंधुओं के साथ है, और बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ मैं, घर वापसी का एक बहुत अच्छा दरवाजा हमने खोला है, और हमारे काफी साथी हमारे साथ इन दिनों जुड़े हैं, उन्हीं का एक फीडबैक था, जैसे हमारे मैथ के सीपी सर है, हमारे प्रमोद सर है, हमारे एसएन सर है, ऐसे बहुत सारे साथी थे जो कोरोना के कारण किसी भी वजह हो जाता है, जिंदगी है, कई बार माँ के जाए भाई के बीच मनमुटाव हो जाता है, उन सब बातों को भूल के हम सब लोग बच्चों के हित में, ये वाकई आप टीचर हैं तो बच्चों हित में काम। और ये आज मैं मेरे लाडले स्टूडेंट अमित से मिला जो एसपी है, उसके बाद तो मुझे और फील आया कि वास्तव में हम एक अच्छा वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल लाइव के अंदर साहब ये बात बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। इस राजस्थान में पिछले 28 साल में, माफी चाहता हूँ ये कहना थोड़ा सा हो सकता प्राउड लगे, पर वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बाजार में कांच के टुकड़ों को भी हिला बना के जम बेचने की कोशिश दुस्साहस करते हैं, ऐसी स्थिति में बताना पड़ता है कि अधिकार मांगने से ना मिले, बाप संताप हो जाए, बोलो धर्मराज जी हैं, मर जाए। तो ऐसे इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 28 साल में सीएलसी ने अपने पैसे हजारों हजारों जरूरतमंद बच्चों के, वो गांव के हो सकते हैं, वो शहर के हो सकते हैं, उनकी हेल्प की। बाकी चाहता हूँ 95% के बच्चे को कोई कोचिंग फ्री पढ़ा रहा है वो सेव नहीं है भाई, वो तो आपका अपना बिजनेस है, बाकी चाहता हूँ तो आपका अपना बिजनेस है। बट 60% के कोई लालाराम जैसे छोरे गांव से लिया है उसको लाके पढ़ा दिया यार, उस सेशन का दिया, बाड़मेर के अस्तराम जैसे एक 200-300-375 नंबर के बच्चे को घर में बेटे की तरह रख के घर में पूजा में रोज पटाके उसको 675 में दिला दिए, ऐसे एग्जाम बहुत एग्जाम मेरे पास, तो ये तो जुबान का आगे फिर से कहता हूँ किसी टोपर बच्चे का कोई संस्था सहयोग करती है तो माफी चाहता हूँ, फिर जो सहयोग नहीं कहे वो तो परसेंटेज पे आपकी छूट है, वो तो आपकी बिजनेस डील है साहब, म्यूनिसिपल डील, वो तो व्यवसायिक डील है, आपसे छूट दे छूट तो है कि बच्चा 60% का फिर भी आप उसको कहें। और आपके यहाँ जो साथी पढ़ा रहे हैं, जो साथी कोचिंग पढ़ा रहे हैं, उसके कहने से मेरे भाई यदि कोई आपकी संस्था वाला दो व्यक्ति दो बच्चों फ्री नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से वहाँ हम एक गुरुजन तो ले रहे हैं, ठीक है कि कोई कंपनी है उस कंपनी में काम कर रहे हैं, हम ये पार्ट ऑफ कंपनी है, तो पार्ट ऑफ कंपनी नहीं बने आप, पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं बने आप, पार्ट ऑफ फैमिली बने। जैसे मेरे साथी पुराने साथी हमारे जैसे नीरज कट्टाने सर हैं, दीपक भोला सर हैं, आरसी सर हैं, अभिषेक मिश्रा सर, एक लंबी लिस्ट है जो 15-15, 18-18 साल से काम कर रहे हैं, वो कहते बहुत हम जब मिलते कुछ साथियों से वो कहते साहब वहाँ तो हमारे किसी बच्चे की 5,000 फीस छूट नहीं करवा सकते, और या तो वो हम कह देते हैं आपको कोई मना नहीं करते। फिर से कहता हूँ ये संस्था की ब्रांडिंग की बात की जा रही है, ये उन लोगों से अपील की जा रही है जो कहीं ना कहीं कुंठित है, कहीं ना कहीं बड़े यूँ परेशान से है, जहाँ भावनात्मक उनका साथ किसी प्रकार लगाव नहीं है, तो आपकी अपनी सीएलसी, और ये विशेष उनसे कहना चाहता हूँ सीएलसी पढ़े हुए स्टूडेंट जो कि टीचिंग कर रहे हैं, या सीएलसी के पुराने साथी जो और के टीचिंग कर रहे हैं, तो वो सभी लोग जहाँ पढ़ा रहे हैं ये साफ कहना चाहूंगा, जहाँ पढ़ा रहे हैं वो सेशन अपना एंड करके आए, ये सेशन बच्चों को कम्प्लीट करके 8 मार्च को अपना बर्थडे होता है, उसके सब साथी आ जाओ मेरे बर्थडे पे, मेरे लिए आपका बड़ा गिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे अपने हो, कोई छोटा भाई है, कोई बेटे जैसा है, तो ये शिक्षक बंधुओं के लिए बात हुई।
तो दोस्तों हम केवल और केवल बिजनेस के मोड में इसको नहीं कर सकते। ग्रामीण प्रतिभा हो चाहे शहरी प्रतिभा कहीं भी हो सकती है, और भाई जरूरतमंद कहीं भी हो सकता है। जरूरतमंद शहर में बचा नहीं होता है क्या? जरूरत है गाँव में जो गरीब हो, शहर में लोग गरीब बेचारे नहीं होते हैं क्या? शहरी का गरीब तो मैं ज्यादा गरीब मानता हूँ। गाँव में फिर भी आदमी थोड़ी बहुत खेती होती है, कुछ इनकम कर लेता है। शहर में तो भाई साहब किसी आदमी इनकम रुक जाए तो आदमी को शाम को चाय पीने दिक्कत आ जाती है, गाँव में तो कम से कम इतनी बुरी दिक्कत तो नहीं आती। ऐसे मैंने देखे लोगों को देखा है, मैं कल चित्तौड़ था, जैसे किसी परिवार से मिला, जाकर के परिवार की मुखिया की डेथ हो जाती है, दोस्तों निश्चित रूप से उसके घर में बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है। ऐसे जब समाज में जाते हैं, परिवारों से मिलते हैं, तो लगता है कि हमारा धर्म बन जाता है, ड्यूटी बन जाती है कि ऐसे लोगों को पढ़ाया जाए, उनका सहयोग किया जाए। देखिए एक शिक्षक बंधु से था, और ये मैं था ही मेरे दिमाग में कई दिनों से। कल मैं जब अमित के साथ मेरे बहुत प्यारे लाडले बेटे जो आप प्रतापगढ़ एसपी के पास बैठा, सुबह हम लोग जब उस चंद्र में 3.5-4 घंटे साथ रहे, तो वहाँ जो हमारी वार्ता हुई, वहाँ जो हमारे डायलॉग्स हुए, उसके बाद लगा कि हाँ लाइफ में कुछ और अच्छा करने के लिए हमें ऐसे और साथियों की जरूरत है। सेल से खुशबू को दूर तक और फैलाए, उसके लिए हमें ऐसे साथियों की जरूरत है। एक बात मैं इस वीडियो से और कहना चाहूंगा, हमें राजस्थान, हरियाणा, यूपी, जहां भी आप लाइव देख रहे हो, हर जगह मैं नहीं पहुंच सकता, हर जगह अखबार का विज्ञापन नहीं पहुंच सकता। तो कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो जहां मैं नहीं पहुंच सकता, अखबार के विज्ञापन इतने महंगे होते किसे नहीं पहुंचा सकते, तो आप जहां भी देख रहे हैं उस क्षेत्र में आप ऐसे जरूरतमंद प्रतिभाशाली बच्चों को या अच्छे बच्चों को जोड़ना चाहे सीएलसी के साथ, तो दोस्तों आप सीएलसी के पार्ट बन सकते हैं। मैं उनको एजेंट नहीं कहूँ, माफी चाहूंगा, मैं उनको एजेंट नहीं चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो ये कह सकते हैं, श्रवण सर ये बच्चा है, हमारे कहने से इसकी 10,000 फीस कम करनी है, 20,000 फीस कम करनी है। उनको सीकर तक लाना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे इसकी जरूरत होगी उसका सहयोग हमेशा किया है, आगे भी करेंगे। तो देश में जहां भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आपके नजदीक में कोई भी गुदड़ी का लाल, कोई भी झोपड़ी की बेटी खोपड़ी हो, आप लाए सीएलसी तक, जुड़े हमारे से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कैसे भी जुड़े। मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर, मेरा मोबाइल नंबर आप जानते हो, 9928738888, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। और सीएलसी परिवार .com हमारी वेबसाइट है, वहां इस तरफ एक फॉर्म दे रखा हमने, आप उसको फिल कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि आप इस खुशबू को फैलाएं। दोस्तों सीएलसी आप जानते हो विचार बीज है, कहते ना, ना किसी को तोड़ के बनी, ना किसी की होड़ में बनी, सीएलसी तो मूल बीज है। तो 30 साल पहले सीकर की जमीन को बिल्कुल फोड़ के बनी, जमीन को फोड़ के मतलब जमीन में पैदा हुई है। सीएलसी मूल है, सीएलसी बेस है, सीएलसी अपने एथिक्स है दोस्तों। और उसके बाद अभी टेक्नो का एग्जाम भी हो रहा है, इस लाइव को जहां भी देख रहे हैं, टेक्नो सीएलसी टैलेंट सर्च एग्जाम करवा रहा है। 5 नवंबर का एग्जाम है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। पेपर दोनों मीडियम में आएगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। फॉर्म होगा, रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन, एग्जाम होगी ऑफलाइन। ऑनलाइन जाना है तो cnctechno.com पे आप गूगल सर्च पे जाओ, सर्च कर लो और अपने आप सारी फॉर्मेलिटी आप सब जानते हो, आजकल बच्चे ऑनलाइन में स्मार्ट होते हैं। हाँ, एक मोबाइल नंबर से एक बच्चे का आप रजिस्टर कर पाओगे। फिर से बताता हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे दे सकते हैं। एग्जाम दोनों मीडियम में होगा, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, एग्जाम ऑफलाइन है, रजिस्ट्रेशन चालू है। 30 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन होगा, 1 नवंबर से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा जिसमें आपके सेक्टर का नाम है, आपका रोल नंबर आ जाएगा। 5 नवंबर को 11 बजे से 1 बजे आपकी एग्जाम होगी और 22 नवंबर को रिजल्ट आएगा। और 22 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उसमें ये भी आ जाएगा कि आपको इस एग्जाम का पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ है, स्कॉलरशिप क्या है, उसकी बात भी करता हूँ मैं। तो आप सभी को इस टेक्नो के एग्जाम को अपने आसपास जितने बच्चे उन सबको दिलाने चाहिए। वाकई आप लगता है कि आपको अपने समाज को, अपने परिवार को, जैसे हमारे बहुत से मित्र हैं, एक हमारे नागौर के हमारे मित्र पोटलिया जी, बड़े सिंपल गांव का किसान व्यक्ति है, कुछ सालों पहले आए थे एक अपने बच्चे को लेके, आज उस अकेले गांव के 20 बच्चे पढ़ते हैं। वो कहते हैं बस हम तो जैसा कहते हो आप किस लिए लेते हो, और आज हमारे गांव के 15 बच्चे सीएलसी पढ़ रहे हैं। नीट या आईटी में सबका हमें पता नहीं होना, लेकिन वो एक अच्छे इंसान बन गए हमारे गांव के छोरे। वो मैं पोटले जी घर गया एक बार, तो पोटले जी ने कहा कि भाई वो हमारा छोरा नमस्ते करना सीख गया गाँव में। हम जानते हैं, मैं गाँव से निकला हूँ, नमस्ते करता बस शर्मा आएगा घर में, फूम पाँच चीजा जी आएंगे तो बच्चा गायब हो जाएगा। हमारे बच्चे बोल, पोटले जी का मेरा मन जब गया, मेरे बच्चे मेरे पाँव छुए तो मेरे तो आंखों में पानी आ गया, बोले मेरा तो बन गया, ये कलेक्टर बन गया मेरा बड़ा। तो जो लड़का गांव में ढंग से बोल नहीं पाता था, वो लड़का जो मैं आ रहा हूँ मेरे पाँव छू रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है, ये संस्कार दिए सीएलसी ने। तो आप
आपके पास समय नहीं भी है दोस्तों, आप समय निकालें समाज के लिए। सीएलसी इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है टेक्नो 2024 के नाम का, तो आपकी आहुति भी यज्ञ में होनी चाहिए। तो आपके अरे पूरे 6 स्टेट में तो है ही सेंटर है, इसके अलावा आसपास पूरे देश में जहां भी देख रहे हैं तो आप सेंटर्स आपके नजदीक है, वहां इस एग्जाम को आपको देना चाहिए। हाँ एक बात और कह सकता हूँ, इस एग्जाम में क्या क्या मिलेगा सुन लो। पहली बात तो एग्जाम की फीस नहीं है कोई, ओके डियर। अब आगे चले, 5 नवंबर का एग्जाम होगी, 22 को रिजल्ट रैंक आएगी, उसके बाद हमने 28 जोन बनाए, हर जोन में आपकी रैंक आएगी, वो क्लास वाइज जोन वाइज आपकी रैंक आएगी। अब आप सीएलसी में एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, टोटली 100% बिजनेस के मोड में काम हमने कभी नहीं किया। फिर हम 28 जगह आएंगे, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली और आपका मध्य प्रदेश, वो सीएलसी टेक्नो.com पे लिस्ट पड़ी है पूरी। 28 जगह हमारी टीम, कुछ जगह मैं आऊंगा, कुछ जगह मेरे बेटे साहिल समर आएंगे, कई हमारे सुनील सरल आएंगे, मिस्टर खान आएगा, हमारे बहुत सी टीम के मेंबर हैं जो काउंसलिंग जो आपकी काउंसलिंग भी करेंगे और आपको पुरस्कार भी देंगे। कैसे फिर सुनो, आपके एग्जाम हुई ना, पहले आपके हर क्लास वाइज ऑल इंडिया रैंक आएगी, ऑल इंडिया रैंक आने के बाद जोन वाइज रैंक आएगी। जैसे एक जोन वाला सीकर एक जोन है, जुलू एक जोन है, चूरू एक जोन है, ऐसे जोन 28 है, वो आपको सीएलसी पर उस जोन में हर क्लास की रैंक बढ़ेगी और हर क्लास के पहले 100-100 बच्चों का सम्मान करेंगे और बाकी सारे बच्चों को देंगे सर्टिफिकेट आपके वहीं घर आके। वो पुरस्कार क्या होगा, किट क्या होगा, ये सारा जब आप 22 नवंबर को आपका रिजल्ट आएगा, आपकी मार्कशीट में छपा आएगा। आप एडमिशन लेते हैं नहीं लेते हैं ये आपका सम्मान किया। जैसे फर्स्ट टाइम वाले बच्चे को उसमें से 3000 रूपये है, सेकेंड और थर्ड वाले बच्चे को 2000 रूपये है, चौथी या पांचवी रैंक का उसमें 1000 रूपये, उसमें डेटा आगे पीछे हो सकता, मुझे इतने याद नहीं है। वो सीएलसी टेक्नो.com पे जाएं, वहां जो पुरस्कार है, बाकायदा सर्टिफिकेट है, मेडल है, मेमेंटो है, एक स्टूडेंट किट है, वो सारा दिया जाएगा। और आज ही कह रहा हूँ इस एग्जाम का फॉर्म भरे, एग्जाम दें और आप पहले 100 में नहीं भी आते तो भी जो भी आपका जोन होगा उस जिस 22 को रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आपके जोन का फंक्शन कहाँ होगा। हाँ फंक्शन हम वहीं करेंगे जहाँ एक एसी लगा हुआ या अच्छा एयर कूलिंग का बढ़िया हॉल हो, क्योंकि पिछली बार लास्ट में किया था तो कहीं हमने टेंट वेंट प्रोग्राम किए थे उसकी एनर्जी में बन नहीं पाया था, तो ये प्रोग्राम जरूरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो, ये उस जोन में उस जगह होगा जहाँ एक सुंदर बैठने की व्यवस्था हो, और पूरे जोन में कहीं नहीं हो तो फिर अलग बात है, फिर देखते क्या होता है। तो आप सबका वहां सम्मान किया जाएगा। मैं कहता हूँ सभी बच्चों को उसमें गार्जियन सहित आएंगे तो वहां एक मोटिवेशनल सेमिनार होगा, मतलब बताऊ मैं खुद भी रहूंगा बहुत जगह, कुछ जगह मेरी टीम के लोग आएंगे। उसके बाद आप कहते हैं निश्चरा में वो तो हो, अब एडमिशन लेते हैं, तो आप एडमिशन लेते हो डियर, तो एक तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, एक तो जो भी लड़का बैठता है जैसे आप एग्जाम में बैठ गए 3000 रूपये की तो हर बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाएगी। यदि आपने सीएलसी टेक्नो के एग्जाम फॉर्म नहीं, एग्जाम में बैठ गए, फॉर्म भरने से नहीं भाई, एग्जाम में बैठ गए तो 3000 रूपये की छूट आपको अपना मिल गई। उसके बाद किस नंबर पे कितनी छूट होगी ये फिर से कहता हूँ, 22 नवंबर को जो मार्कशीट आएगी उसे प्रिंट होके आएगा, एक तो ये बात होगी, दूसरा उसके बाद आपको केस प्राइस दिया जाएगा, ठीक है ना। जो आपके जोनल पे हम आपको पुरस्कार देंगे उसका कोई संबंध नहीं एडमिशन से, बट ये सारा तब होगा जब आप, जैसे लास्ट ईयर लड़की दीपिका थी हमारी, उसे टॉप के 11th में 1,05,000 फीस छूट हुई उसकी, और 6 बच्चों सिंगापुर टूर लेके जाए, उसमें नाम मेरी बेटी दीपिका नाम है, वो सिंगापुर जाएगी, प्लस 1,00,000 का उसको केस प्राइज दिया गया। ऐसे सारे बच्चों को कितना केस प्राइज है, किस क्लास का है, कौन सी रैंक पे, ये भी आप सीएलसी टेक्नो.com पे जो उसकी इन्फॉर्मेशन बुकलेट है उसको जाके रीड कर लो, वहां सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये आपकी टेक्नो की बात दोस्तों बड़े प्यार से होगी। अब मैं एक बात लगातार टाइम में करना चाहूंगा, जो बच्चा नीट 2023 में किसी भी कारणवश अब तक काउंसलिंग का हिस्सा बना हुआ था, या उम्मीद थी कॉलेज मिल जाएगी, या कंफ्यूज था कि यार मैं वापस तैयारी करूँ, ग्रेड 3 ज्वाइन करूँ, मैं बीएमएस ज्वाइन करूँ, आईबीएस ज्वाइन करूँ, या मैं फार्मेसी ज्वाइन करूँ, या बीएससी करूँ, या क्या करूँ, एक बड़ा सा कंफ्यूजन था, उनको मैं कहता हूँ कि खराब कुछ भी नहीं है दुनिया में, कम कोई नहीं होता है, लेकिन ज्यादा बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है डियर। तो यदि आपको लगता है कि नहीं यार मुझे अभी भी मुझे नीट 2024 को ठोकना है, तो आपकी अपनी सेल्स तो हमेशा बच्चों के लिए काम करती है। अभी 11 सितंबर से हमने एक सेपरेट बैच स्टार्ट किया है, मुझे कहते हैं बहुत खुशी होती है, बैच स्टार्ट होते एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बैच में होगी, ये भी जरूरी है, क्लास की जब तो स्ट्रेंथ नहीं होती बच्चे का मोमेंटम नहीं बनता, इतनी सफिशियंट स्ट्रेंथ उस बैच में होगी। और भगवान ने चाहे तो हमें अभी अगले 18 सितंबर को एक और बैच नया खोलना पड़ेगा। दोस्तों अभी आपकी सीएलसी ने नीट 2024 के लिए 11 सितंबर से बिल्कुल नए सिरे से बैच स्टार्ट किए, टॉपिक सारे जीरो से पढ़ाए जाएंगे, 8 मार्च तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए अभी भी आप घर बैठे हैं बाबा, और जेई में भी है,
जेई में मुझे परसों बचाया था, वो एनडी के इंटरव्यू में गया हुआ था, एनडी के इंटरव्यू से बाहर हो गया, हमारे इकड़वास राय परिवार का बच्चा था, वो 95% थे, एनडी के बाद जो इंटरव्यू में किसी कारण उसको फ्रैक्चर हो गया, उंगली बाहर हो गया, वो आ गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कोई हो जो जेई में भी कहीं अच्छा आईटी नहीं मिला हो और खरीदारी कर रहे हो तो आ जाए। कई बच्चे टेस्ट 3 ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल सिर्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं, बेटा अकेले टेस्ट 3 या अकेले सिर्फ स्टडी से बाहर पढ़ती नहीं है, आप सीकर आ जाए, एक अच्छी का स्कॉलरशिप है। आप जानते हो आपका स्कोर 580 नंबर के आसपास है, जनरल SC ST में 450 नंबर के आसपास है, तो आपको तो रहना खड़ा सब नहीं हमारे यहाँ, एक पैकेज स्कॉलरशिप का, वो भी आप CLC सीकर CLC परिवार टोटल पे जाओ, एक स्लाइड है वहां देख लो, जो है वो मेरे पास इतने बिहार से फोन आया था बच्चे का कि सर क्या आपका इंस्टीट्यूट वहां कैसा करता है क्या, मैंने कहा बिल्कुल करता है बेटा, वहां जो 10-12 बच्चों का ग्रुप था पूरा, बड़े हॉस्टल में रह रहे हैं, एक नया बच्चा भावुक हो गया था कि सर इस धरती पे ऐसा भी कोई टीचर कर सकता है क्या। ठीक है, संस्था को रिजल्ट की जरूरत है, लेकिन संस्था को क्या रिजल्ट तो हमें भी है, एक इतना बड़ा स्टेबल इंस्टीट्यूट है, वहां से बच्चों को ऑपरेट करते तो खुशी होती है। तो रिपीटर इसके अलावा एनडीए, आप जानते हो आपकी CLC एनडीए में बहुत अच्छा काम कर रही है, एनडीए के साथ साथ तो एनडीए आप जानते हो सितंबर में हुआ, एक अप्रैल में हुआ, अप्रैल वाला बैच आप ज्वाइन करना चाहो तो अभी मंडे 11 तारीख से एनडीए का भी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो एनडीए के लिए भी, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी 2024 के लिए नया बैच स्टार्ट 11 सितंबर से हुआ है, आप संस्था के ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने केवल टेस्ट 3 ज्वाइन करना है, टेस्ट 3 ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, सीकर अलवर जयपुर जोधपुर बीकानेर कोटा हिसार दिल्ली वहां हमारे ऑफलाइन है। हाँ, कोटा में भी जो सरकार गाइडलाइन है कि एक बार आप टेस्ट नहीं करवा सकते, टेस्ट ऑफ करके सेंटर वहाँ है, एडमिशन आप दूसरे ले सकते हैं। और हाँ, 2 नवंबर से मिड सेशन DTA स्टार्ट होने जा रहा है, एक बात आगे बोलते बोलते, यदि आप रिपीट स्टूडेंट हैं, अब तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया तैयारी की, तो दोस्तों 2 नवंबर से नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने में हम आपको नीट और जेई का कंप्लीट सिलेबस CLC की मिड सेशन DTA से कवर करा देंगे, तो आप सब ब्रह्मास्त्र है, दुनिया की कोई कोचिंग वो टेस्ट लॉन्च नहीं आज तक किसी ने आगे मुझे पता नहीं था, सबसे देश की सबसे बड़ी सबसे विश्वसनीय सीरीज है। और मैं बड़े विश्वास से कहता हूँ कि CLC के टेस्टों से हमेशा ज्यादा बच्चे नीट या जेई मेंस में आते, एडवांस का जरूर हो जाता है वेरिएशन, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट बता दे कि साहब मैं CLC में टेस्ट दिए पर मेरे CLC के एवरेज से नीट या जेई में कम नंबर आए, आ जाओ दोबारा आपको फ्री टेस्ट देंगे, फ्री पढ़ाएंगे, शर्त है 90% आपके संस्था के दिए होने चाहिए, आप जुड़ सकते हैं संस्था के साथ। तो आज मेरी 3 अपील है, CLC का स्टूडेंट या CLC का पूर्व कोई शिक्षक साथी जहाँ पे पढ़ा रहे हैं वहाँ दोस्तों, आप किसी एक जरूरतमंद बच्चे की सहायता नहीं करवा सकते तो आप तुरंत प्रभाव से इस सेशन एंड करके CLC में आओ। उसके अलावा आप इस वीडियो को जहाँ भी देख रहे हैं, आप समाज के एक्टिव लोग हो, हमारे पुटलिया जी हैं, हमारे केसा जी हैं, हमारे शेषमा जी हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं जुबान पे जो अपने गांव में बैठे, वो हमारे कोई बातचीत चाहता हूँ, वो हमारी एसेंट नहीं है बात, वो भैया इतने समर्थ लोग हैं, अपने जगह मौजूद रखते हैं, उनका एक मकसद है कि हमारे गांव के लोगों को शिक्षा के लिए एक उचित जगह पहुंचाया जाए, तो वो उनके लिए CLC है। उसके अलावा टेक्नोल का एग्जाम दिलाए, इसके अलावा नीट और जे एनडी 2024 के आप आगे ज्वाइन करें, तो ये कुछ बातें दोस्तों करने, तो सारा आइडिया जब रात को मैं मेरे लाडले बेटे अमित से मिला, रात को मैं जब गेस्ट हाउस में रुका तो मैं 2 घंटे 2.5 घंटे मुझे करीब नींद इसी बात को लेकर नहीं आई, मैं कहते रहे बिल्कुल छत को देखते हुए अपने आपसे बात की, मुझे इस चीज को और आगे बढ़ाना चाहिए। एक अमित एक SP लेवल का स्टूडेंट आज इतना रिगार्ड आपका कर रहा है, तो आपको अपने और अंदर जो टीचर का गुण है, आप समाज का और जो आप कॉपरेशन मतलब कि फीस से नहीं है, तो आप सब जानते हैं CLC का जो मोटिवेशन है, CLC का जो एटमोस्फेयर है, वो दुनिया की किसी कोचिंग में हो सकता है, माफी जब पढ़ाने का काम सभी हम भी करते हैं और भी करते हैं, मैं नहीं कहता ठीक है ना, नोट सबके पास है, पेपर NCERT से आना है, CLC से बढ़िया टेस्ट किसी के नहीं है, CLC एकमात्र कोचिंग है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, लाइव में कह रहा हूँ, जिसके टेस्ट में ज्यादा नंबर लोग नीट पाते हैं, हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं सर मेरी कोचिंग में 600 नंबर आ रहे थे तो टेस्टों में एग्जाम में 400 नंबर है, तो ऐसे हम बच्चों को गोल गोल बात भी नहीं करते, अच्छी टीम के साथ एक अच्छी टीम काम कर रही है। और दोस्तों CLC एक मधुमक्खी है जो अपना शहद बनाना जानती है, CLC के पास खुद कितनी शानदार टीम है, कुछ हमारे पुराने लोग वापस जुड़ रहे हैं, तो अगले साल हम जस्ट डबल टीम के साथ काम करेंगे, अच्छा कैंपस हमारा बन चुका है, कर्मस्थली तपोस्थली भावस्थली, और समय के साथ आप जानते हो सारी क्लासेज एयरपुट हो गई, सारे अगले साल CLC के सारे नोट्स अपडेट हो रहे हैं, सारी पोस्टें अपडेट है, और जब से साहिल और समर दोनों मेरे साथ और खड़े हो गए आप खुद समझ सकते हैं CLC मैन टू मैन काम कर रही है, हर एक बच्चे पे काम कर रही है, मैन टू मैन फील्डिंग देती है CLC की आप, और सीकर की खास बात हो रही है, सीकर में अभी भी बच्चों में तनाव का माहौल वो माहौल बहुत कम है, क्योंकि अभी जो हॉस्टल वाले हैं मकान वाले हैं वो ग्रामीण लोग हैं पृष्ठभूमि के, जो बच्चे गेर भी करते हैं
मैं तो अपील भी करना चाहूंगा बच्चों से, बेटा आप नीट और जेई में सिलेक्शन लेने पढ़ाई मत करो, बहुत कहीं बताए बोल रहा हूँ, नीट और जेई में सिलेक्शन को मत बनाओ टारगेट, आप बनाओ टारगेट मुझे मेहनत करनी है, मेरे मेहनत करने पढ़ाई करने में सिलेक्शन हो जाएगा, केवल सिलेक्शन सिलेक्शन करोगे तो बहुत कड़वी बात है भाई बेटा, सबका कैसे सिलेक्शन होगा, 20 लाख बच्चे बैठते सीट तो लाख ही है ना, सबका तो वैसे नहीं होना भाई, तो आप प्लीज अपने आप को पेनिंग मत करो, आप बहुत कीमती हो समाज के लिए, देश के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, आप असेट हो भाई यार, आप असेट हो अपने परिवार का, आप असेट हो पूरे देश का, आप भारत के द्रोह डियर, आप अपने आप को ऐसे क्या मानते हो, छोटे बच्चे छोटी छोटी बातों में इतना तनाव, नहीं गलत बात है यार ये, और चेयर सिम आप जानते हो डेली शाम को असेंबली होती है 2012 से हो रही है, आज ये सारे कानून पास हो रहे हैं कि बच्चों को मोटिवेशन, जबकि सीएससी में तो 12 फरवरी, आज भी डेट याद है 12 फरवरी 2012 से डेली शाम को असेंबली होती है, डेली मेडिटेशन होता है, महीने में करीब करीब 20 दिन खुद बैठता हूँ, इसलिए सीएससी का वातावरण पारिवारिक, और उसके अलावा स्कूल एजुकेशन की बात भी करूँ तो आपका सीकर में सीएससी के सीबीएसई का आरबीएससी का बहुत अच्छे स्कूल है, सीबीएसई के स्कूल जुड़ सकते हैं, प्री प्राइमरी से 12th तक स्कूल आरबीएससी का भी है, इसके अलावा सीएससी में 6, 7, 8, 9, 10 प्री चलता, प्री फाउंडेशन 11-12 फाउंडेशन है और 12 के बाद दोस्तों टारगेट है कोर्स चलता, तो आप सीएससी में देखा जाए तो बाहर के स्टूडेंट 6th क्लास जुड़ सकते हैं, बस सीकर के आसपास के जो हमारे अपने हैं तो 84 के आसपास, 84 का आप जानते हो हमारा स्कूल जो सीआईएस है वो सीकर में यूनिक स्कूल है, प्री प्राइमरी से आप बच्चों जोड़ सकते हो, मैं एक ही बात कहता हूँ भाई कहीं भी जाने एडमिशन से पहले, अभी चलता सितंबर एडमिशन आपके मार्च में होने हैं, आप इन 3-4 महीने में एक बार सीकर आके विजिट करें, सीएलसी का देखें, सीएलसी को महसूस करें, सीएलसी को, ये कुछ बातें मुझे आपसे करनी थी, अब एक कैमरा मेरे सामने कर लेता हूँ, जो मेरे अपने लोग जुड़े हुए हैं उनकी बातों को जवाब दे देता हूँ, विष्णु सराफ जी देख जुड़ रहे हैं, वीना बीरपाली जी हमारे साथ हैं, पिंकी जी हमारे देख रहे हैं, अब अनिल शौरान साहब हम जुड़े हुए हैं, अब अन्य कोई साथी मेरे साथ जुड़े जो है, प्रमोद चौधरी जी में बात कर रहे हैं, अन्य साथ जुड़े, अब कोई बात दिमाग में हो तो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हो, अब मैं स्क्रीन को मैंने मेरी ओर ले लिया तो मैं आपकी बातों जवाब देता जाऊंगा, और आज जेल में बताऊं मैं उतना ही खुश हूं जितना खुश अब्दुल कलाम साहब के वो शिक्षक जो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलकर आए थे भैया, तो हमारा बेटा भी वहां का जिला एसपी तो उतना ही खुश है, सूर्यांश धाकड़ जी बात कर रहे हैं, गौरव देवल जी बात कर रहे हैं, देवल जी जय करणी माता की भाई, जय करणी मैया की, तो शंकर जाट साहब हमें वाच कर रहे हैं, जो भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों एक अच्छी एजुकेशन का एक थीम लेके मैं मेरा पूरा परिवार लगा हुआ है, किसी भी प्रकार को आपको एजुकेशन साइंस से, अच्छा हमारे स्कूल में आर्ट्स भी है, साइंस भी है, एग्रीकल्चर भी है, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी है, शिवपाल मीणा जी वाच कर रहे हैं, अभी मैं रास्ते में हूँ चित्तौड़ से, क्यों चित्तौड़ पार किया हमने, उदयपुर जयपुर हाईवे जो है उसको पार करते हुए हम लोग जा रहे हैं, अभी एग्जिट लोकेशन हमारी कहाँ से बाबूलाल जी, चित्तौड़ भिलवाड़ा, चित्तौड़ भिलवाड़ा के बीच हम लोग हैं, मनोज ढाका बोस खाना, कहाँ खाना खाया कि नहीं खाया आपने खाना, अरे मैं मेरे एसपी स्टूडेंट से मिलकर ऐसा आलू के परांठे का बढ़िया दही का नाश्ता करा के भेजा मेरे बालक ने मेरे को, यार आज तेरा बोस जमीन से 2 फीट ऊपर है, एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राजेश कुकना जी हमें देख रहे हैं, गुरुजी नमस्कार, मनोज कुमार जी बात, रामदेव सिसमा जी आगे देखो, अभी रामदेव सिसमा जी हैं, इनके बेटा बेटी मेडिकल में हैं, एक बेटी पढ़ी, ये वो लोग हैं जो सीएलसी के हर वक्त ब्रांडिंग करते हैं, सीएलसी के हर वक्त जय सीएलसी बोल रहे लोग हैं, रामोतार सिसमा जी देख रहे हैं, अजरुद्दीन हमारे जुड़े हुए, वीणा बीरपाली जय सीएलसी बेटा, पुनाराम कड़वासा जी वाच कर रहे हैं, तो मैं एक बात उनसे, हमारी रामदेव भाई जुड़ गए, ये वो लोग हैं जिन्होंने कोचिंग में हर साल सैकड़ों बच्चे देते हैं, वो कहते हैं कि हमारा धर्म बनता है कि हम बच्चे को अच्छी संस्था भेज रहे हैं, मैं नहीं कहता कौन खराब है बट बेस्ट सीएलसी है साहब, ठीक है ना, और एक बात निवेदन कर भगवान साई मीणा जी कर सर, एक बच्चे को वार्डन की वजह से सीएलसी से निकाल लिया, आज भी लड़का घर पर है, वार्डन वापस भेज दो भाई, वार्डन को उनका बोल रहे मेरे से मिलो, आप इस लाइव के बाद मेरे से बात करना, बिल्कुल समस्या मिटाएंगे, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, भेजो घर भेजो सीएलसी उसको पढ़ाई, घर भेजो सीएलसी भेजो उसको आप, ठीक है ना, हरपुर बाजिया जय सीएलसी, रामनिवास सियाग राम राम सा, और मोती राम जी, संजय जाट बोस, अरे जिंदाबाद बोस, जिंदाबाद सीएलसी बोले आदमी, प्रकाश कुकना जी राम राम जी, मनीष चिराग जी हमारे साथ जुड़े हुए, रामदेव शेषपा जी हमारे भाई, मोतीराम मीणा जय सीएलसी, अरविंद गोरा बोस, शिवपाल मीणा बेस्ट, राजू सेनी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जो ऊपर भाई ने कमेंट कहा था उस बच्चे को आप सीएलसी अपने बोस के पास भेज दो, अपनी मेरी जिम्मेदारी, बस खुश
देवेंद्र सिंह कूड़ी द रियल डेडिकेशन ऑफ एजुकेशन। अरे क्या चाल है देवेंद्र सिंह जी, कैसे हो? मैं यार परसों याद कर रहा था, मैंने कहा एक हमारे खुड़ी में बहुत ही पुराना परिवार है, मैं हिदायत बैठे थे, मैं आपके मन कर आजकल कहाँ है वो? एक तो वो भांजा भांजी जो पढ़ते थे वो आजकल क्या कर रहे हैं बताना भाई? श्याम कुमार जी है, जय सेल से मेरा बेटा चिराग सेल सिम है। अच्छा चिराग से ठीक है, चिराग को दिक्कत नहीं कोई, जैसे आप लिखें इस लाइव में जो मेरे गार्जियन जुड़े हुए हैं, जो पढ़े हुए बच्चे जुड़े हुए हैं, ये उनको जो महसूस हुआ लिखे, अच्छा अच्छा भी लिखो, यदि आपको कोई नाराजगी तो भी लिखो ताकि मुझे पता लगे, कोई कमी है तो लिखो, पर अच्छा लग रहा है तो हमारे महेंद्र वकील जुड़ गए देखो, जिनकी हमारी लाडली बेटी मेडिकल में है और बेटे को हमने जेई मैन में भी सिलेक्ट हो गया था, पर जेई मैन नहीं भेज के आपको 5 ईयर लॉ कोर्स में भेज दिया क्योंकि आप हमारे खुद वकील है महेंद्र जी, तो उसका पोस्ट इधर बिल्कुल। तो जिनको अच्छा जो भी महसूस हुआ लिखो ना, मैं तो खुले प्लेटफॉर्म पे आके बात करता हूँ आदमी भैया। तो ये हमारे साथी हैं जो दोस्तों जुड़े हुए हैं लाइव के साथ, किशन लाल लुटाना जी हैं, प्रभुदयाल सेनी जी हैं, रतन गोदारा जय सी एल सी, देवेश गुजर जी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो साथी हैं देवेंद्र सिंह दादा वो साइंटिस्ट है जर्मनी, बोलो क्या बात है यार, बस सी एल सी के बच्चे जर्मनी में साइंटिस्ट बन गए, क्या बात है। मैं देवेंद्र जी से तो मैं हिदायत पर से बात करती, देवेंद्र जी हमारे हैं खूड़ी लक्ष्मणगढ़ रतन और सीकर के बीच में एक अच्छा बड़ा गांव है, मेरा सारथी हिदायत वहीं से, देवेंद्र जी एक बहुत अच्छा परिवार है, बहुत संस्कारी परिवार है, मैन बस स्टैंड पे आपका एक बहुत बड़ी कोठी है और आपकी भांजी भांजी पढ़े और वो आज जर्मनी में साइंटिस्ट है, लो जी मिट्टी थकान बने तो शिवपाल जी बस ऐसे थकान मिट जाती है हमारे तो। रामगोपाल गुजर जय सी एल सी, मनोज राठौड़ जय सी एल सी, सब आपका आशीर्वाद है, नहीं सब आपका विश्वास है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, रिजल्ट में ये बंद करो प्रश्न आ रहा, रिजल्ट दोस्तों विश्वास से आता है, रिजल्ट विश्वास से आएगा, रिजल्ट विश्वास से आएगा। साहिद राव शानदार, गुलाब सिंह राजपूत साहब नमस्कार, बलदेव ख्यालिया रामगढ़ से क्या बात है, रमेश चंद्र हेलो मेरी बेटी पढ़ती है, रमेश जी तो बताओ बेटी पढ़ती है तो आप संतुष्ट लिखें, और आपको कोई किसी प्रकार की कमी है तो बताओ, बस ओपन प्लेटफॉर्म पे उनका समाधान करते हैं। संतोष सेनी जी, सुरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, पवन कुमार डोकवाल जी हैं, जय सी एल सी मेरी बेटी हर्षिता सी एल सी में, बिल्कुल साहब बहुत बेटी को बोलना को दिक्कत मेरे से मिलती रहेगी, बस आपसे नाराजगी हो ही नहीं सकती, आपने तो सीकर को, अरे अरविंद गोरा ऐसा नहीं है, मैंने मेरा काम किया है भाई, नाराज की तो क्यों नहीं हो सकती, सबको तो माफी चाहता हूँ मैं, मेरी तो औकात नहीं है, सबको तो भगवान राम पसंद नहीं है भैया, तपन तो इंसान है। रामोतार पांड्या जी गोरी सर से देख रहे हैं, पवन कुमार नोकवाल जी हैं, कुलनती नाग जी देख रहे हैं, इंद्रपाल देख रहे हैं, मोहम्मद बेनीवाल सॉरी मनमोहन बेनीवाल देख रहे हैं, बीरबल सिंह मीणा मेरा बेटा भी सी एल सी में क्या बात है, सोमलाल सर यू ग्रेट टीचर एंड ग्रेट गाइड फॉर अस योर ब्लेसिंग, थैंक यू बाजिया जी, गणेश बिरदा जी देख रहे हैं, गुलाब चंद राजपूत जय सी एल सी, सुखराम भामू देख रहे हैं, हिमांशु बाटड़ सर जी मैं भी सी एल सी परिवार का आशीर्वाद से जर्मनी में पढ़ रहा हूँ, क्या बात है हिमांशु बाटड़ जर्मनी में पढ़ रहा हूँ, बोलो यार लाइव में जो लोग है वो दिखा करो ऐसा यार, ताकि हमारी खुशबू जाए सी एल सी की। मैं आज खुल के अपील करना करता हूँ उस हर व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को सी एल सी रूपी पेड़ की छाया मिली है, जिस व्यक्ति को सी एल सी रूपी पेड़ का फल मिला है, वो इस पेड़ की ब्रांडिंग करे, इस पेड़ की बात को लोगों तक पहुंचाए, ताकि गलत लोग इस इंडस्ट्री में, गलत लोग इस बाजार में बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर पाए। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, क्योंकि सी एल सी हर बच्चे पे काम करती है, यहाँ कोई अलग से बैच बना के ऐसे नहीं, यहाँ सब पे असेंबली होती है, सबको कहा जाता है, हमने किया है 60% के लालाराम को हमने SMS भेजा साहब आदमी के साथ। और नईम कुरैशी कह रहे सऊदी अरब से, नईम देख रहे हैं सर बिल्कुल, गणेश टूडी जी देख रहे हैं, नरेश भामू जी वाच कर रहे हैं, विकास मांजू सीएलसी फर्स्ट, सीएलसी आपके दिलों में फर्स्ट होनी चाहिए, माई भतीजा सीएलसी में तैयारी कर रहा है सर, प्रेम कार्डिया जी बोल रहे हैं, जी खान जी हमें देख रहे हैं, रामेश्वर चौधरी साहब वाच कर रहे हैं। तो जो भी मेरे लोग अपने जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि अपने कमेंट्स लिखें, और सीएलसी पढ़ावा बच्चा जो इधर उधर, गुड सर यू आर वेरी हार्ड वर्कर, बिल्कुल साहब मेरा जीवन बच्चों के नाम है। मदन लाल जी हमें देख रहे हैं, भगवान साहब मीना सर आप तो पिता जैसे हो, आपसे मिला था सर मैं टीचर हूँ आप के आशीर्वाद, क्या बात है भगवान साहब मीना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुशील सोने जी बात कर रहे हैं, विजेंद्र पाल सिंगल, विजेंद्र पाल मेरा स्टूडेंट है जो PhD कर चुके, विजेंद्र लिख रहे बने भाई, ये विजेंद्र वो स्टूडेंट है जिसने जोधपुर में PhD सबमिट किया सर, मेरे ख्याल से भी वही बच्चा है। कुलवीर सिंह जो सीएलसी के, मुकेश कुमार जाट हमें देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह
धौलपुर चंबल से, क्या बात है धौलपुर। अरे धौलपुर का तो रिजल्ट हमेशा अभी कल एक बच्चा सम्मानित हुआ है, जैसा पता है हिंदी दिवस पे जिन बच्चों के राजस्थान बोर्ड में टेंथ और ट्वेल्थ में पूरे नंबर आते हैं उनका सम्मान किया जाता है। तो कल एक हमारा बच्चा हिंदी दिवस सम्मानित हुआ है जयपुर में मिडल ऑटोरियम में। राजन मिश्रा जी देख रहे हैं, वीणा बीरपाल जी देख रहे हैं, राजा ध्रुव जी हमें देवाज कर रहे हैं धौलपुर से चंबल से, क्या सरिता ढाका जी हमें देख रहे हैं, भूपेंद्र धौलपुर चंबल से बिल्कुल, प्रेम कारडिया जी नाइस कपल सीएलसी, लखन गुजर जय सीएलसी बोस जेलर अजमेर, अरे लखन आ भाई आप अजमेर में जेलर अजमेर से एमबीएस कर रहे हो क्या बात है। राजेंद्र तेतरवाल देख रहे हैं, अशोक यादव देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह देख रहे हैं, मैं सीएलसी था बोस क्या बात है भूपेंद्र शाहबाश। राजेंद्र चौधरी साहब देख रहे हैं, भूपेंद्र जोधपुर चंबल से, पंकज बिजाड़िया। मैं फिर से कहना चाहता हूं जो इस वीडियो को जब भी कभी सुने लाइव, तो आप यदि सीएलसी रूपी इस पेड़ का छाया आपने ली है तो आपका एक धर्म बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि इस पेड़ को आप बहुत और अच्छी खाद पानी देते रहे ताकि हम इस छाया को बहुत दूर तक करते रहे और हजारों हजारों उन बच्चों के सपने पूरे कर सके। जो एक सपना था ना सीएलसी का सपना, हर गांव से डॉक्टर बनने से बेटा वो पूरा हो गया, तो हर घर सीएलसी, हर दिल सीएलसी। दोस्तों राम प्रसाद जी गुजर जी हमें देख रहे हैं, रघुवीर सिंह गुजर साहब देख रहे हैं, अशोक कुमार कह रहे सर नीम का थाना से फार्मिस्ट, अशोक क्या बात है आप फार्मिस्ट का जॉब कर रहे हैं। अनिल शर्मा उचाना हरियाणा से, अरे उचाना के तो भैया उचाना मंडी के तो हमारे नम्रता शर्मा हमारे कर्मवीर जी है, याद आ गया एक हमारे कर्मवीर जी है जिनकी गुड़िया नम्रता सिलेक्ट हुई थी, लेडी हार्डिंग डिग्री पूरी कर ली उसने, अब वो वहाँ एक ब्रांड एम्बेसडर सीएलसी के, मतलब वो आदमी भैया वो खुद टीचर है हमारे, उनके उनके हमारी जो मैडम उनके बहू उनके विशेष हैं वो कुछ टीचर हैं, उनका बेटा डॉक्टर, फिर भी वो मतलब चला के सीकर बच्चों थे। सोमेंद्र जोशी जी बात, सोमेंद्र जोशी हमारे दैनिक भास्कर में आप बहुत बड़े एक मार्केटिंग के पद पे है, आप दो भाई हैं प्रकाश जोशी और सोमेंद्र जोशी, भगवान आप दोनों भाइयों का राम लक्ष्मण प्यार बनाए रखे भैया, भगवान आप मतलब मैं साहिल समर से कई बार कहता हूँ बेटा सोमेंद्र और प्रकाश को देखा करो, प्यार भाइयों में ऐसा होना चाहिए, आपके आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजेंद्र भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु ज्ञान काम आता है, मात उंगली थाम के क्या बात है विजेंद्र लिख रहे हैं हमारे, रघुवीर सिंह गुजर साहब लिख रहे हैं, डॉक्टर संदीप शर्मा लिख रहे हैं, अशोक यादव सर मैं सीएलसी का 2001 का स्टूडेंट हूँ। अशोक यादव बेटा अभी क्या कर रहे हो बताओ। जाबर चौधरी हेलो सर जी, सुरेंद्र काकस राम राम बोस, अरे सुरेंद्र जी राम राम क्या हाल है। सुरेंद्र जी आपने यार विश्वास छोड़ दिया सीएलसी से, सदर क्या कहना चाह रहा हूँ, विश्वास बनाए रखना चाहिए बड़े आदमी, खैर कोई बात नहीं फिर भी आप स्वस्थ रहो मस्त रहो। विनोद कुमार देव त्यागी प्रणाम सर, बाबूलाल पिंगर जय सीएलसी बोस, राहुल शर्मा आवाज कर रहे हैं, राजेंद्र चौधरी सर मैं नागौर से मेरी बेटी आपके सीएलसी में स्टडी कर रही है, साहब कोई दिक्कत तो नहीं है बच्ची को बताओ, बोस गुड आफ्टरनून आई वॉचिंग फ्रॉम दुबई, क्या बात है राजकुमार चौधरी दुबई से देख रहे हैं। राम राम सर, गोपाल सार देख रहे हैं, वीना बीरपाल जय सीएलसी बिल्कुल यूएसए, आप यूएसए से देख रहे हैं जय सीएलसी, वीना बीरपाली फ्रॉम यूएसए, वीना बेटा पूरा लिखे आप अपने बारे में, यूएसए में आप कब पहुंचे और यूएसए में आप क्या करते हो, सीएलसी से आपका क्या लिंक है, ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, पूरा लिखो कृषिपाल जी। सतीश कुमार जी कैसे हो सर जी, मैं बस्तु प्रदीप भीजर जुड़े हुए, भूपेंद्र सिंह एक साल पहले सर क्या एक साल पहले जुड़े थे, अच्छा जीजोत दाता रामगढ़ से, अच्छा रामगढ़ से दादरा, आज भी सर आपकी बहुत याद आती है, आने में चाहिए यार सर, बेटा संजय सिंह गुजर सील सीकर में है बिल्कुल, बेटे को बोलो मेरे से मिलेगा। राहुल जाट देख रहे हैं, हमारी बेटी भी सील सीम है बिल्कुल साहब, प्रकाश नायक जी देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह देख रहे हैं, ताराचंद कुमार सर नमस्कार, सुनील गोस्वामी, मोहन भामू, शशि कुमार बाबू मैं आपका फैन हूं जी, शशि कुमार जी क्या बात है यार, ये बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझे लाइक करते हैं। मनीष ढाका जी देख रहे हैं, रघुवीर सिंह गुजर सर बेटे का ध्यान रखना बिल्कुल, गुजर साहब बेटे को बोलना मेरे से मिल लेगा ना, मेरे से मिलेगा, अभी मैं आज आपको सीकर पहुंचा कल मेरे से मिल लेगा, वैसे तो मैं हॉस्टल्स के कंप्लीट एक एक बच्चे के राउंड देकर आ चुका था इस बार, वो साहब से बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं, कोई बात नहीं सुरेंद्र भाई लाइव के बाद बात कर लेंगे ठीक है ना, और अब भी कोई बात हो तो सीएलसी अपना घर है, वो अपना घर रहेगा ठीक है ना, अब भी आपको कहीं सीएलसी की जहां भी कहीं जरूरत पड़े साथ था साथ हूं साथ रहूंगा ओके, इस बार इतनी बात करेंगे पर लाइव पे। जयप्रकाश झाजरा जी हमारे एडीएम साहब भी, एडीएम साहब इतने व्यस्त हों कि बात भी लाइव देख रहे हैं, जबकि हमारे बहुत ही परफेक्ट ऑफिसर हैं आप, और इस समय आप बड़ी जिम्मेदारी का काम निभा रहे हैं सरकार का, बिल्कुल बिल्कुल आपको साहब बिल्कुल, जय श्री बालाजी जय महाराज तेजा जी की सर आपका मैं गुरु समझता हूं, क्या बात है जय सीएलसी बोस बनवारी पुनिया, अरे पुनिया जी बेटे को छोड़ दिया क्या,
बनवारी जी पूनिया, संजय पूनिया के पिताजी हैं, विजय पूनिया के पिताजी हैं। संजय आईटी दिल्ली में है, छोटे वाले विजय का इस बार सिलेक्शन बनवारी में के साथ हुआ है। उसको कौन सा कॉलेज मिला बताना भाई? पूनिया पार्टी देखा था मैंने, बाप बेटे का हवाई जहाज का फोटो, मतलब बाप बेटे हवाई जहाज जा रहे हो, क्या बात है, वेरी गुड। हैदराबाद कहीं का टिकट था आपका ना बनवारी जी? देखा मैंने। मोहन भामू थैंक यू सर, पवन सेन जी, राजेंद्र चौधरी, खुशबू क्लास 11th बायो में। बच्चे को बोलना मेरे से मिल लेगी, आप लाइव में बच्चे का नाम नहीं लिखे, बच्ची का विशेष बच्ची का तो बिल्कुल नहीं लिखे लाभ, है ना, आप भेज देना, बता देना मेरे को ना। गजेंद्र धाइल हेलो बोस, बिल्कुल गजेंद्र धाइल चौधरी हेलो, हाँ जी कैसे हो बनवारी, जय सेल सी बोस गजेंद्र जी, बिल्कुल गजेंद्र जी जय सेल सी। भीमाराम कुमाऊ जी जुड़े हुए हैं, शशि कुमार हिमाचल आ जाओ कभी हिमाचल, शशि कुमार जी बिल्कुल आ जाते हैं। जयप्रकाश हाजरा जी नमस्कार बिल्कुल साहब, और गजेंद्र जी गजेंद्र प्रेम प्रकाश सोनी, मैं एक अपील करना भाई, एक बार किसी लिख दिया दोबारा नहीं लिखे क्योंकि फिर दूसरे पर जो ओके बोस आज ही आप दिल में हो और हमेशा बिल्कुल रहेंगे रहेंगे सील से अपने घर है भाई। धर्मेंद्र यादव जी वाच कर रहे हैं, नेमीचंद सर मेरे बेटे का, बिल्कुल नेमीचंद जी मेरी जिम्मेदारी है। नरेश पिलानिया जी मैच देख रहे हैं, गजेंद्र दाहिल भाई एक बार मैंने पढ़ लिया प्लीज, अब दोबारा कमेंट्स नहीं लिखे हैं। बेलारी मिला, बेलारी तो कर्नाटक में ऐसा था ना ठीक। अशोक यादव बोस रुक जाना नहीं तो के हार के गाना आज भी याद है, बिल्कुल ये गाना ही ऐसा भाई जिंदगी भी याद रहेगा। उसके बाद रमन जयसिंह जी बोस, कलाम सिंह जी वाचकर, गोविंद कुमार मैं सऊदी अरब में हूँ, मेरी बेटी आपकी सीएनसी नीट की कोचिंग कर रही है, बिल्कुल साहब बेटी को बोलना मेरे से मिल लेगी। हर्षद पारिक हेलो सर मैं भी सीएलसी में हूँ। केसाराम जी पूनिया देख रहे हैं, राजवीर तिवारी जी देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह राम प्रसाद डुमेला जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शशि कुमार जी कह रहे हैं आप वहाँ आना तो बिल्कुल आपके आएंगे। भूपेंद्र सिंह जी जयसीएलसी माँ, देखो जयसीएलसी माँ शिवपाल जी, दुनिया में दो ही चीजें हैं, किसी देश के माँ लगता तो भारत माता है और किसी कोचिंग के लगता तो सीएलसी माँ, बाकी सब सपने हैं अपने तो अपने। शिवम गोस्वामी जी कह रहे हैं सर जोधपुर पधारो कभी, जोधपुर बिल्कुल आएंगे। संदीप चिड़िया जी देख रहे हैं, विमलेश कुमार जी हैं, नरेश पिलानिया जुड़े हुए हैं, इंजीनियर अनिल चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीजें थी दोस्तों, तो एक तो टेक्नो का एग्जाम हो रहा है, एक सारे अपने पुराने अपनों को सेल से वापस स्वागत है, और मैं चाहता हूँ कि सेल से जो संस्था जो एक अच्छा काम कर रही सोसाइटी में उसकी खुशबू को सभी लोग मिलकर बहुत आगे तक फैलाना चाहिए, मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। श्रवण सारस्वत बीकानेर से है, नमस्कार बोस बिल्कुल नमस्कार। एस के गासल जय श्री राधे राधे साहब, राधे राधे साहब बिग फैन बोस बिल्कुल। हमारे गजेंद्र धाइल चौधरी बिल्कुल बेटा, हम एक ही बात, आप मुझे लाइक करते हो मैं आपको लाइक करता हूँ, बस यही रिश्ता होता है समाज दुनिया में। बजरंग सिंह जयसीएलसी बोस, कपिल रोलन जयसीएलसी, मनोज मंडीवाल, कंचन चौधरी जयसीएलसी, कंचन चौधरी हमारे एक बहुत ही लाडली बेटी है जो बिहार के स्कूल में प्रिंसिपल है, वही है क्या रहने वाले में। नेमीचंद सर मैं दुबई रहता हूँ, बिल्कुल नेमीचंद जी आप बेटियों बोल रहे मेरे से मिले। महावीर कड़वासरा जय श्री राम बिल्कुल नमस्कार भाई। सुजला किंग जी देख रहे हैं, भीमाराम हेलो सर जी बिल्कुल नमस्कार सर जी, राधे राधे। नोपल्स बाबू जी कहीं बात कर लिया करो जी, हमने खुशी होती है अच्छे इंसान बात कर, बिल्कुल बिल्कुल सर कभी दोसा की धरती, दोसा तो बाता रहता हूँ भाई, दोसा जाऊंगा इस बार। देव त्यागी कोई टीचर वैकेंसी, बिल्कुल अच्छे टीचर्स की वैकेंसी आपस रह जाएगी, ये भी रह जाएगी, ऐसे होता है। मनोज पवार प्रणाम बोस, हीरालाल ग्रेट सर, किशोर चौधरी जयसीएलसी, प्रहलाद राय जी देवीचंद थैंक यू सर, सज्जन कुमार पूनिया, सज्जन कुमार पूनिया सर सीएलसी के स्कूल ब्रांचेज बच्चों सीकर विलेज में बिल्कुल इसके भी सोचेंगे। राम प्रसाद जी कह रहे हैं, अशोक शर्मा जयसीएलसी, पूरा नाम दैया जी कहाँ के हो भाई जयसीएलसी। तो ये देखो सब लोग लाइव में जुड़े हुए हैं और काफी टाइम हो गया, अब हम थोड़ा सा इसको लाइव को एंड पे लेके जाएं। तो लाइव पे एंड पे जाने से पहले नीट जेई एनडीए 2024 का आखिरी बेस्ट स्टार्ट 11 सितंबर से हुआ है, और सीएलसी के जो भी पुराने जुड़े हुए साथी हैं वो अपने वापस जहां भी पढ़ा रहे सेशन कंप्लीट करके इसलिए जुड़े सीएलसी ताकि आप जरूरतमंद बच्चों की सेल्फ भी कर सके, पढ़ाने काम तो वहां भी कर रहे हैं, सीएलसी भी करेंगे, सैलरी वहां मिलती है सीएलसी, लेकिन एक समाज को एक और नया चीज दे सकते हैं। देवेश वट्स भी हमारे साथ जुड़े, देवेश वट्स तो हमारा स्टूडेंट रहा शायद मेरे हिसाब से भाई, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो लाइव कुछ और रहना पड़ेगा, कुछ लोग और जुड़ रहे हैं अपने परिवार के। मनोज कुमार जाट जी देख रहे हैं, भीमाराम कुमाऊ जयसीएलसी सर बिल्कुल जय जयसीएलसी। मोनिका वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं एक ही बात करना चाहूंगा कि संस्था से जुड़े रहे और समाज में जो भी लोग एक्टिव हैं उनको लगता है कि हमारे गांव के अच्छे बच्चों को पहुंचाया जाए ठीक है संस्था तक, उसका फर्क पड़ता है भाई।
जिन गांव से बच्चे जुड़े, जिनसे लोग जुड़े। जैसे मैं कल एक जगह बैठा था कहीं, यही आया हुआ था, तो उस घर के तीन चार बच्चे पढ़ रहे सीएलसी में, दो तीन सिलेक्ट हुए पहले से, जबकि वो जानता ही नहीं था। मैं ऐसे मुझे को लेके गया, मैं किसी काम से गया था, बोला हमारे बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं। बच्चे बात, मैं चेलासी से हूँ, वो किशोर चौधरी जी, बिल्कुल आप चेलासी से हैं, बिल्कुल चेलासी, चेलासी भाई वो गांव है सीकर के पास ही, जहाँ अपना स्कूल है सीआईएस के नाम। ओम प्रकाश गुजर जी देख रहे हैं, मनोज सोनी जैसे राम, एसपीसी जी ख्यालिया साहब भी जुड़े हुए हैं, वो भी देख रहे हैं, हमारे पास ही बैठे हैं, पास बैठे बैठे देख रहे हैं, हम साथ ही हैं दोनों, तो सब जानते हो, कहने की बात भी नहीं है। टूरिज्म भी होता साथ ही होते हैं। सुनीता देवी जी हमें वाच कर रहे हैं, राज नहर विनायक विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं, प्रदीप शर्मा जी प्रतापगढ़ के, राम राम जी। प्रदीप शर्मा जी अभी आपके प्रतापगढ़ से आ रहा हूँ, माफी चाहूंगा आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया, कल देर रात पहुंचा था, फिर मैं हमारे लाडले बेटे अमित के पास वहीं रुका, सुबह आपकी चर्चा भी चली थी, मैंने बात भी की थी, आपसे उनका बहुत अच्छे बिल्कुल एक एक्टिव पर्सनलिटी यहाँ की। फिर हम लोग इधर आ गए थे, सीता माता का जो मंदिर है वहां आ गए थे, फिर पिछले दिन से निकले, मिला था कि पर शायद सीता माता के मंदिर से वापस प्रतापगढ़ जाएंगे तो आपसे बात करेंगे, फिर वहां पता लगा कि अब सीधा रास्ता इधर से रहेगा, अगली बार आएंगे तब वापस आपसे मिलेंगे। तो ये है दोस्तों, ताराचंद जी देख रहे हैं, जेठाराम जी लगे हुए, सुमेश सारण साहब देख रहे हैं, महेंद्र जी खुराना, जैस हर्षवर्धन जी देख रहे हैं, सुजला किंग जाजोदी हॉस्टल सुधांगढ़ से, राम राम। अरे वाह, हॉस्टल बिल्कुल 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 हमारे साथ ही हॉस्टल के भाई, मैं सुधांगढ़ पढ़ा हुआ हूँ, इलेवंथ मैंने सुधांगढ़ से पास की थी, तब क्या मेरे मित्र हैं, मेरे पहले कमेंट्स पर गौर फरमा, आपकी बोल कर पाओगे, आप मेरे ऊपर आशा बना, बिल्कुल बिल्कुल आप भगवान साहब जी बिल्कुल स्पीकर रहे। विनय दीक्षित, अरे विनय का हाल चाल है, अरे विनय हमारा पुराना भाईला भाई है, विनय आजकल शायद यूपी में पढ़ा रहे, विनय क्या हाल चाल है, विनय हमारा बहुत लाडला भाई है भाई, विनय अगले सेशन वापस अपने घर सीएलसी आ जाओ, अब जहाँ पढ़ा रहे हो सेशन कम्प्लीट करके आ जाओ अपने पुराने सबको, क्योंकि अपने सीएलसी आप देख रहे हो कि सीएलसी में जहाँ हर बच्चे को पढ़ाया जाता, हर बच्चे को तैयार किया जाता और बहुत सारी जरूरतमंद प्रतिभाओं को पढ़ा के हम लोग उन दुआएं भी लेते हैं, समाज का एक फॉर्मेट चेंज करते हैं, सीएलसी ने सोसाइटी का पूरा फॉर्मेट चेंज किया। संजय पुनिया सर ग्रामीण विभाग का बिल्कुल बढ़ाएंगे, हम बच्चों से जुड़े हैं, 40 गांवों के बच्चों से जुड़े हुए हैं, वक्त पांच बच्चे आपके, इस वक्त पांच बच्चे करें, बिल्कुल आज नहीं सिर्फ पांच क्यों 50 भेजो ना, अच्छे बच्चों को भी मैं कहता हूँ बच्चों को पढ़ाना तो सीएलसी भेजो, आप कंपेयर कर लो, सीएलसी से अच्छा कहीं नहीं है, बातें कुछ भी की जा सकती हैं, बातें कुछ भी की। सर बच्चे को टेस्ट का स्कोर 400 जोरदार, 430 का मतलब सिलेक्शन दौड़ में भाई। संतोष कुमार जी हैं, ठीक है बोस, विनय हमारा बहुत लाडला बेटा है भाई, बहुत लाडला भाई कहेंगे। सुरेश ढोकिया जी जुड़े हुए हैं, लक्ष्य नमस्कार, रमेश रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा मुझे पढ़ने में थोड़ा लगा जल्दी आते हैं मैसेज तो पढ़ने थोड़ा सा ऐसी सुविधा। तो ये दोस्तों आज एक रास्ते का लाइव, राम सिंह यादव, राम सिंह लाइव, राय राम सिंह क्या है, हमारे कोटा में इस बार दो टेस्ट सेंटर पे, एक तलवंडी पे कुनाड़ी पे, कुनाड़ी भी हमने टेस्ट सेंटर लॉन्च कर दिया, राम सिंह यादव हमारे कुनाड़ी सेंटर के इंचार्ज हैं। राम सिंह कैसे हो बेटा, प्रेम कर नमस्कार, वो सेन मोनू नार सिंह कड़वासरा आपके जज्बे संघर्ष, अरे कड़वासरा भाई आपका मेरे प्रति प्यार है, बाकी मैं मेरा काम करता हूँ ईमानदारी से। लक्ष्मण सिंह ढाका जुड़े हुए, राम सिंह यादव और राम सिंह दिक्कत होने बड़े चल रहा है, हमारे तलवंडी सेंटर के इंचार्ज हमारे हरजीत सिंह जी और नानूराम ढाका है, कुनाड़ी सेंटर के इंचार्ज राम सिंह जी हमारे, बिल्कुल राम सिंह जी, पलवन सुथार राम राम जी, आशकरण मंडी डबवाली हरियाणा से, क्या आसाखेड़ा से, आसाखेड़ा बिल्कुल मनोज जी, संतोष कुमार जैसे राम, गोविंद पारिक जी मेरे साथ हैं, गोपी चौधरी नमस्कार जी, बिल्कुल सुभाष चंद्र नमस्कार सर। तो दोस्तों ये एक पूरे परिवार के लोग हैं, मुकेश जूडी, अब तो बंद तो किसी करना ही पड़ेगा ना भाई, ठीक है भाई। तो आखिर इतना है कि इस वीडियो को पूरा एक बार सुने, जो इस पर अपील की गई है उन पर ध्यान दिया जाए ताकि समाज का और फॉर्मेट चेंज किया जाए, अच्छे बच्चों को और पढ़ाया जाए और अच्छा मौका दिया जाए। ओके दोस्तों नमस्कार।